शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। परम दयालु माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर जलंधर पंजाब क्षेत्र में आप हम सब माँ भगवती जगदम्बा के पावन चरणारविंद में उनकी पावन सिद्ध पीठ में बैठ करके अपनी जीवन के उन दुर्लभ क्षणों को सार्थक कर रहे हैं जिसके लिए हमको ये मान्यता मिला है। वही प्राप्त मानस धरिया गोविंद मिलन की ये तेरी भरिया और काम तेरे कशु न काम बज मिल साध संगत केवल हरि नाम। ठीक है, जीवन में जीवन के अपन करने के लिए संसार के काम करने पड़ते हैं, सब व्यवहार निभाने पड़ते हैं, पर मनुष्य मानव जीवन इससे सार्थक नहीं होता है। अवर काम तेरे कछु न काम करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, पर महापुरुष ने गुरुजनों ने यही आज्ञा दी है कि अनेकों जन्मों से जो हम भवबंधन में पड़े हुए हैं वो भवबंधन कट जाए और हमारा ये जन्म सार्थक हो जाए, उसके लिए हम जीवन में सुकृत पुण्य करें, सत्कर्म करें। जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। जो भी अपने जीवन में भगवत आराधना संत सेवा गौ सेवा दीन दुखों की सेवा करते हैं, इन्हें मुशक्कत करते मेहनत करते हैं, उनके मुख उज्ज्वल हो करके संसार से जाते हैं, वो भगवत धाम को जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चली एक बंदे जंजीर। सिंहासनों में वही चढ़ के जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सुकृत पुण्य किए हैं, भगवत आराधना करी है, गौ सेवा जैसे महान पुत्र कार्य किए हैं और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ सत्कर्म सुकृत पूर्ण नहीं किए तो पूर्ण जीवों को बार बार 83 लाख योनियों के चक्कर में पढ़ करके अनेकों योनियों में भजन करते हुए महादुख भोगना पड़ता है।